हमारे चैनल त्रिशन ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम जा रहे हैं जमशेदपुर से दिल्ली। ये रास्ता टोटल 3000 किलोमीटर्स का है, जाना आना मिलाकर कह रहे हैं। ये हमने 6 दिन में कंप्लीट किया है। आपको इसी वीडियो में सारी जानकारी मिलने वाली है कि हमने ये रास्ता कैसे तय किया और ये रास्ता कैसा है, जाने आने में हमें क्या क्या तकलीफ़ें हुई और क्या क्या सुविधाएं हैं इस रास्ते में, वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो बने रहिए हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी के पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक बटन दबा दीजिए। इसके साथ बेल आइकन भी होता है राइट साइड में, उसको भी दबा दीजिए ताकि हमारे तरफ से आपको कोई भी अपडेट मिस ना हो, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो चलिए, जैसा कि हमने कहा, हम जा रहे हैं जमशेदपुर से दिल्ली तक। ये सिर्फ जाने के लिए 1328 किलोमीटर्स का रास्ता है, जो कि हमने 2 दिन में कवर किया। ये एक सडन ट्रिप था, इसीलिए पहले से कोई प्लानिंग हमारी थी नहीं। निकलते निकलते 12 बज गए थे, तो हमने पकड़ा था नेशनल हाईवे 33, तो उसको पकड़ के हमने जमशेदपुर से नामकुम होके रांची होके फिर हजारीबाग से बरही तक का रास्ता तय किया। और उसके बाद दो घाटियां भी हमको मिली, एक है रामगढ़ घाटी, दूसरा है हजारीबाग घाटी। ये दो घाटियाँ जो है, यहाँ पे स्पीड लिमिट्स है, आप ज़्यादा स्पीड में यहाँ पे गाड़ी ना ही चलाए तो बेहतर है। जगह बहुत खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है। मुझे नहीं पता कि ये कैमरे में, मोबाइल कैमरे में कैसा दिख रहा है, लेकिन आपको सामने से अगर ये देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आ जाने वाला रास्ता है ये। और
उस रात को हम रुके थे मानसरोवर होटल में. उस होटल में वो हाईवे के पास में ही है औरंगाबाद पे. उसका पर नाइट चार्ज था 500 रुपये. तो हो गया है दूसरा दिन. सुबह के बज रहे हैं 7. हम चल रहे हैं दिल्ली के लिए. तो अभी हमने मैप ऑन किया है. इसमें एस्टिमेटेड टाइम हमको दिखा रहा है रात के 11:30 बजे. तो आपको रूट प्लान थोड़ा बता देते हैं. इसी रोड को पकड़ के हम आज यूपी होके वाराणसी प्रयागराज होके सीधा दिल्ली रोड पकड़ के ही जाएंगे. उसमें आपका NH-19 आएगा. कानपुर होके इटावा होके सीधा यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ेंगे. लीजिए आ गया आपका वो ब्रिज. देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है. सुबह का मौसम है, समा बहुत सुनहरा है और सामने बह रही है सोन नदी. कर लिया है यमुना एक्सप्रेसवे. अभी बज रहे हैं रात के 8:55. तो ये रोड हमको सीधा दिल्ली तक लेके जाएगी. अभी तक हमारा डिनर भी नहीं हुआ है. चलिए आगे देखते हैं खाने की कोई व्यवस्था अगर होती है तो वहाँ पे खाना खा लेंगे. फ़िलहाल तो टाइम अभी भी दिखा रहा है कि हमको रात में 12 बज जाएंगे दिल्ली पहुँचते पहुँचते. तो आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है और कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाना खाएंगे. ये लीजिए गाड़ी का स्पीड हो गया है 150. ये रास्ते में 150 किलोमीटर/आवर पे गाड़ी चल रही है, वो भी रात के 9 बजे. कुछ भी नहीं दिख रहा है सामने, पूरा मतलब डार्कनेस है. उसमें ये जा रही है हमारी बीस्ट. चलिए आगे नज़ारे की लुफ्त लीजिए. नज़ारे क्या है रात में, कुछ भी नहीं है. चलिए देखते रहिए आगे जाके कहाँ हम रुकेंगे, वहाँ पे थोड़ा खाना खा लेंगे, फिर उसके बाद सीधा ही निकल जाएगी दिल्ली के लिए.
अब बहुत थक गए हैं हम तो, रात के 1 बज गए हैं हमको दिल्ली पहुंचते पहुंचते, तो अब जाके बस सो जाएंगे। तो यही दिल्ली तक पहुंचने का वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपने यहाँ तक हमारे वीडियोस को देख ही लिया है तो प्लीज़ दोबारा से कह रही हूँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए वीडियो को, और उसके साथ बेल आइकन भी हिट कर दीजिए ताकि हमारे से आपको कोई अपडेट मिस ना हो। इसके साथ ही आपको बता देती हूँ कि ये आखिरी वीडियो नहीं है, इसके बाद भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं दिल्ली को लेकर ही, दिल्ली घूमने का, उसके बाद दिल्ली से निकल के हम कहाँ कहाँ जाते हैं वो सारे वीडियोस आ रहे हैं। हमारे साथ बने रहिए और ट्रिशन व्लॉग्स को देखते रहिए। बाय बाय।